जी बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? जी बच्चे, क्या किया था लास्ट टाइम, कोई भी बता दे। बाइनरी सब्सट्रैक्शन बाय यूजिंग वंस कंप्लीमेंट शाबाश। एंड बाइनरी सब्सट्रैक्शन बाय टूज कंप्लीमेंट। और बाइनरी कोड शुरू कर लिए थे, बीसीडी यह सर शुरू कर लिए थे। जी पढ़ लिया था हमने, सर, बी यस सी डी सर, पढ़ वो लिए भी थे। था। यस सर, बीसीडी की एडिशन पढ़ ली थी। यस सर, एडिशन पढ़ ली थी, सब्सट्रैक्शन भी गई थी। वही ना, बीसीडी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गई थी। ठीक है, यस सर। आज हमने पढ़ने हैं ग्रे कोड्स। ठीक है, ग्रे कोड्स क्या होते हैं? यस जिस तरह हमने बात की थी कि बीसीडी कोड्स सर। होते हैं, बीसीडी कोड 4 बिट के कोड होते हैं ना। ठीक है, तो 4 4 बिट की मदद से हम 16 कम्बिनेशन उसके बनते हैं। तो 16 कम्बिनेशन के डिफरेंट वैल्यूज़ हम करते हैं उसमें। फिर हमने डिवाइड किया था 2 हिस्सों में, एक वैलिड कम्बिनेशन होते हैं, एक इनवैलिड कम्बिनेशन होते हैं। अगर ऐड करने से वैलिड कम्बिनेशन आ रहे हों तो उनको तो सिंपल बाइनरी भी सेम, उनकी बाइनरी एडिशन भी या सब्ट्रैक्शन वैसे ही होगी जैसे कि हेक्सा सर की जी, होती आपकी है। आवाज कट रही है। यस जी, अब ठीक आ रही है? सर। मैं बेटा ये अब कह रहा ठीक है हूँ, सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे लास्ट टाइम हमने पढ़ा है उसमें हमने बीसीडी की एडिशन पढ़ी थी। अगर बीसीडी को ऐड करने से, दो नंबरों को ऐड करने से हमारे पास अगर वैलिड कम्बिनेशन आ रहा हो, वैलिड कम्बिनेशन कौन से थे बीसीडी के टेबल में? 0 से लेके 9 तक। तो अगर 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ जाए तो फिर तो उसकी बाइनरी एडिशन सेम होगी जैसे नॉर्मल बाइनरी की होती है। लेकिन अगर इनवैलिड कम्बिनेशन आ जाए, यानी 9 से ग्रेटर, यानी 10 11 12 13 14 15 या ए बी सी डी ई एफ तक कोई भी आ जाए, तो वो इनवैलिड कम्बिनेशन होते हैं। तो उनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कल देखा था कि हम 6 ऐड करते हैं उसके अंदर, 0 1 11 0 6 जो है वो ऐड करेंगे हर डिजिट के अंदर, तो हमारा वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा और वो जो नंबर होगा वो अपने वापस बी सी डी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं था? नो सर। सर एक जी बात थी कि वो लेक्चर जरा सर, वो वीडियो जो लिंक है वो जरा जल्दी शेयर कर दिया करें। जी बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी जल्दी शेयर किया है, बल्कि मैंने एक थोड़ी सी एक चेंजेस की हैं सर। कि आप दोनों सेक्शंस के साथ जी जो है ना क्लासेस होती हैं, तो मैं दो दो रिकॉर्डिंग कर रहा यस होता सर। हूँ। ठीक है, तो दोनों में से जिसमें आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो या वो थोड़ा सा जी उसमें सर। चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएँ तो वो मैं शेयर किया करूँगा। ठीक है, चाहे वो आपके सेक्शन का हो चाहे वो दूसरे सेक्शन का हो, तो जिसमें जी चीज़ें अच्छे सर, तरीके थैंक से यू सर। एक्सप्लेन होंगी मैं वो शेयर किया करूँगा, मैं ताकि दोनों शेयर मुझे ना करने पड़े। लेकिन आपको जो है वो आप उन्हीं को वॉच करके तो आप लेक्चर सुन सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो तकरीबन सेम सेम थैंक यू चीज़ सर। सेम सेम चीज़ें जी पढ़ाता हूँ मैं सर दोनों सर सेक्शंस के अंदर। लेकिन यह है कि दोनों में से बेहतर मुझे लगेगा ना, मैं वो यूट्यूब पे शेयर करके तो उसका लिंक आपको शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, यस सर, ओके। थैंक यू। तो आते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट बीसीडी कोडिंग स्कीम है या बाइनरी कोडिंग की जो स्कीम है वो है ग्रे कोड्स। ग्रे कोड्स क्या होते हैं? ग्रे कोड्स जो हैं वो, पहले तो इसमें ये बात समझ लें कि ग्रे, जैसे हमारे बीसीडी 4 बिट का होता है, 4 से ज़्यादा का या कम का नहीं होता। लेकिन जो ग्रे कोड है इस, ये 1 बिट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 5 10 जितनी मर्जी बिट्स के आप कर लें ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके जो बीसीडी कोड हैं वो इतनी बिट के होंगे। ठीक है, ये कितनी किसी भी बिट का हो सकता है। तो मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, अगर आपका ग्रे कोड जो है वो 2 बिट का है तो उसके कितने वैलिड कम्बिनेशन होंगे? कौन सा फार्मूला यूज़ किया था हमने कल? 2 की पावर n वाला। शाबाश, 2 की पावर n। तो n जो था वो नंबर ऑफ बिट्स था, तो इस दफ़ा n 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास 4 कम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर जी आपके सर। पास 3 बिट्स होंगी तो 2 की पावर 3 जो हैं इतने कम्बिनेशन, यानी 8 कम्बिनेशन आएंगे। इसी तरह अगर 4 होगी नंबर ऑफ बिट्स तो 2 की पावर 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 16। 16 कम्बिनेशन। तो ये जो चीज़ें ये आपको पहले से पता हैं। तो अच्छा, अब बात आते हैं ग्रे कोड्स होता क्या है। ग्रे कोड में, ग्रे कोड पढ़ने से पहले आपको एक टर्म बताना चाहूँगा, उसको बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस। HAMMING, हैमिंग डिस्टेंस। ये क्या होता है?
सपोज करते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है बाइनरी का, जैसे 0110, ये एक नंबर है 4 बिट का। इसी तरह मैं एक और नंबर लिख देता हूँ 100 और 1, ठीक है, ये मैं एक नंबर लिख देता हूँ। अब आपने क्या करना है, इन दोनों बिट्स को, इन दोनों नंबर्स में जो जो बिट्स हैं उनको वन बाय वन कंपेयर करना है कि कौन सी बिट सेम आ रही है, कौन सी डिफरेंट आ रही है। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं, ये वाली बिट ये सेम है या डिफरेंट है दोनों नंबर्स में? डिफरेंट है। डिफरेंट है। इसी तरह ये वाली, ये भी डिफरेंट है। ये वाली भी डिफरेंट सारी है। डिफरेंट है। शाबाश, सारी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारी डिफरेंट हैं तो इन सारी बिट्स में, इन दोनों नंबर्स में, जो दो नंबर मैंने लिखे हैं बाइनरी के, इन दोनों में जो हैमिंग डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। कितना है? ज़ीरो। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी नंबर मैच नहीं करता, ठीक है, समझ आ गई है? सर, हैमिंग डिस्टेंस तो वो नहीं होता कि जो बिट्स डिफरेंट हों? जी। तो इसमें कितनी बिट डिफरेंस है? इसमें तो कोई इसमें भी, चार डिफरेंट हैं। हाँ सॉरी, इसमें चार आ जाएगा, ठीक कह रहे हैं, चार आएगा सर। जी, चार आ जाएगा, वेरी गुड। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। अच्छा ठीक कह रहे हैं बेटा, इसमें हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 4 का होगा। इसी तरह मैं एक और नंबर लिखता हूँ 0111, और उसके अलावा मैं लिखता हूँ 1 और ये वाला। अब इसमें आप ये देखेंगे कि कौन सी बिट डिफरेंट आ रही है, तो ये वाली बिट जो है वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हैमिंग डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब जो ग्रे कोड होते हैं ना, ग्रे कोड यस के सर अंदर जी हैमिंग डिस्टेंस सर होता है, शाबाश, ग्रे कोड में हैमिंग डिस्टेंस होता है। यानी ग्रे कोड ऐसे कोड होते हैं जिनमें जो कम्बिनेशन बन रहे होते हैं ऊपर से नीचे, उनमें जो अगला नंबर होता है और जो पिछला नंबर होता है उनमें हैमिंग डिस्टेंस हमेशा 1 का होना चाहिए। अगर उनके दो एडजेसेंट कोड्स के अंदर हैमिंग डिस्टेंस 1 का नहीं है तो वो वैलिड ग्रे कोड नहीं होगा, ठीक है। ग्रे कोड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसके जो दो एडजेसेंट नंबर्स हैं उनमें एक का सर हैमिंग डिस्टेंस रखना पड़ेगा। जी, सर वो कैसे रखेंगे? वो अभी बताता हूँ आपको कैसे रखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, पहले ये आप टेबल देख लें फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये क्या है? 00। तो 00 का ग्रे कोड उसने क्या लेट किया? 4 0 ले लिए, ठीक है। तो वैसे तो बाइनरी के हिसाब से भी 00 40 0 ही आते हैं, BCD में भी यही होता है, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह 01 के लिए उसने रखा 0001। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ये फर्स्ट वैल्यू और जो सेकंड वैल्यू है इसमें कितना हैमिंग डिस्टेंस है, तो बताएं कितना है? सर वन है। 1 है। इसी तरह वन जो, का इसी तरह जो वन दूसरी है और सर। दूसरी और तीसरी वैल्यू में कितना हैमिंग डिस्टेंस है? सर उसमें भी वन ही है वन सर। शाबाश। वन वन है सर। यानी आप कोई सी भी दो एडजेसेंट उठा लें, नंबर 6 और नंबर 7 वाली हाँ देखें, इसमें कितना हैमिंग डिस्टेंस है? वन है सर। शाबाश। वन तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास सर वन ग्रे का ही है। कोड, ठीक है, जो ग्रे कोड्स होते हैं उनमें, उनके सारे एडजेसेंट एंट्रीज के अंदर हैमिंग डिस्टेंस 1 का होना चाहिए, तब वो वैलिड ग्रे कोड होगा, अदरवाइज वो ग्रे कोड नहीं होगा। उसमें बाइनरी का कोई चक्कर नहीं होता। जैसे अगर 2 की बाइनरी, ये तो नहीं ना बनती, ये तो 3 की बाइनरी होती है, 0011, आपको याद होगा, ठीक है। यस सर। तो इस वजह से इसमें बाइनरी नहीं बनती, यानी ये बाइनरी से यस सर। डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ हमने कंसीडर करनी है, इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि इसमें हैमिंग डिस्टेंस 1 का होना चाहिए। अब यहाँ से एक बात ये पता चली कि अगर 10 स्टूडेंट होंगे तो 10 स्टूडेंट अपना डिफरेंट ग्रे कोड बना सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन वही सारे मेंटेन रखेंगे कि वो हैमिंग डिस्टेंस 1 का रखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं सबका ग्रे कोड एक जैसा ही हो। BCD तो सबका एक जैसा होता है ना, BCD यूनिक होता है, वो हमेशा वही रहता है जो, मतलब 0102 के लिए जो भी होगा। लेकिन जो ग्रे कोड होता है उसमें ये चीज़ लाई नहीं करती, उसमें आप डिफरेंट कम्बिनेशन डिफरेंट स्टूडेंट बना सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये मेट होनी चाहिए कि आपकी जो दो एडजेसेंट एंट्रीज़ हैं या वैल्यूज़ हैं उनके अंदर हैमिंग डिस्टेंस 1 का होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस यस सर। यस सर।
तो इसका मतलब ग्रे कोड में दो बातें आपने तीन बातें ज़हन में रखनी है। नंबर एक, ग्रे कोड जो है उसके लिए बिट की लिमिटेशन कोई नहीं है कि वो 4 बिट का होगा, 3 बिट का होगा, वो कितनी भी बिट का हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, उसमें हैमिंग डिस्टेंस ऑलवेज शुड बी 1। और नंबर थ्री, ये बाइनरी से डिफरेंट होता है। तो ये तीन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था BCD कोड, तो BCD कोड का इस्तेमाल कहाँ पढ़ा था हमने, ज़रा बताएं। हेक्सा टू बाइनरी। शाबाश, बाइनरी से हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी में जाने के लिए हमने BCD कोड का यूज़ किया। इसी तरह अगर आपसे पूछूं ग्रे कोड कहाँ पे यूज़ होता है, तो ग्रे कोड हमारे सब्जेक्ट में शायद एक आधी जगह इस्तेमाल होगा, लेकिन ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें इस तरह की सिचुएशन हो कि हमें एंट्रीज़ के दरमियान हैमिंग डिस्टेंस 1 का रखना हो, वहाँ पे ये ग्रे कोड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका इस्तेमाल बहुत कम है। तो इसके बाद जो अगला कोड पढ़ेंगे वो है आस्की कोड, उसका इस्तेमाल इससे ज़्यादा है। तो ग्रे कोड जो है बहुत कम यूज़ होते हैं DLL के अंदर। ठीक है, तो ये बाइनरी से डिफरेंट भी होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आस्की कोड, ASCII आस्की कोड। ये आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज स्टैंड्स फॉर आस्की। ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन है। तो अगर आपसे पूछे आस्की कोड किस चीज़ का स्टैंडर्ड है, जी सर ये वेब डेवलपमेंट के कोर्स में भी सर ये यूज होता है ये आज की कोर्स। जी जी बेटा बिल्कुल होता है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेवेंट है ना वेब डेवलपिंग भी। ठीक है, तो हम DLD पढ़ रहे हैं, DLD तो बेस होती है कंप्यूटर की। यस सर। ठीक है, तो ASCII कोड जो है इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बेसिकली ये कोड होता क्या है, ये एक ऐसा कोड होता है जो कि स्टैंडर्ड है। सबसे पहले तो ये समझ लें, ये स्टैंडर्ड कोड होता है, यानी ये चेंज नहीं होगा। जैसे BCD स्टैंडर्ड है ना, कि BCD 4 बिट का होगा और हमेशा वही वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी चेंज नहीं होगा, यानी जो एक दफ़ा बन गया वो बन गया है। और बनाया किसने, अमेरिकन्स ने। तो अमेरिकन्स ने इसको नाम दिया आस्की कोड का। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो कि अमेरिका ने बनाया, और ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में जहाँ भी कंप्यूटर बनाए जाएंगे वहाँ यही आस्की कोड एक जैसा होगा। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है, आप अगर अपने कीबोर्ड पे देखें, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आपका PC है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन है, चाहे टैबलेट है, कोई भी है, वहाँ पे जब भी आपको कीपैड देखेंगे तो कीपैड के ऊपर जो नंबर्स, जो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक्स होते हैं, और जो सिंबॉलिक कीज़ होते हैं, ये सब के सब इनके बैक एंड पे एक 7 बिट का कोड चल रहा होता है। 7 बिट का कोड चल रहा होता है, उस कोड को हम आस्की कोड कहते हैं। हर की के लिए, हर बटन के लिए वो यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो बटन का सेम आस्की कोड हो जाए। ठीक है, ये हेक्सा में भी लिख सकते हैं और इसको हम बाइनरी में भी डिनोट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ज़हन में रखें कि हमेशा ये 7 बिट का होगा, दूसरा ये स्टैंडर्ड होगा, ये चेंज नहीं होगा, तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं ये 7 बिट का कोड है तो इसमें पॉसिबल कम्बिनेशन कितने होंगे, तो कैसे निकलेंगे, सर 2 की पावर 7। शाबाश, वो कितना बनता है, 128 सर, 128। जी, 128 जो है वो डिफरेंट इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी। इसका मतलब किसी भी जो आपका टेबल है, जो भी आपका कीबोर्ड है या कीपैड है, उसके अंदर मैक्सिमम 128 बटन तक ही आस्की यूज़ कर सकते हैं, और 128 से कभी ज़्यादा होते भी नहीं है नॉर्मली। ठीक है, ज़्यादातर जो है 128 बटन, यानी सारे कम्बिनेशन अगर करें उससे कम ही बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो जितने भी अल्फ़ाबेटिक, अल्फा नुमेरिक और सिम्बॉलिक कीज़ होते हैं, उन सब के बैक एंड पे आस्की कोड रन हो रहा होता है, जिससे आपका माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर जो है वो उसको जानता है कि ये किसी बंदे ने ये प्रेस किया है। देखिए, अगर आप ए प्रेस करेंगे, कैपिटल ए, तो उसका अपना आस्की कोड होगा। अगर आप स्मॉल ए प्रेस करेंगे तो उसका अपना आस्की कोड होगा। ठीक है, तो जब आप ए प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को ये नहीं पता होगा कि इसने ए प्रेस किया है, इस तरह की शेप की कोई चीज़ प्रेस किया है, नहीं, वो उसके आस्की कोड से उसको जानेगा। जो आप बटन प्रेस करेंगे उसका आस्की कोड उसके पास जाएगा, उससे वो अपने टेबल से चेक करेगा कि इस बंदे ने ये बटन प्रेस किया है, उस बेस पे वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो आस्की कोड जो है उसका ये आपको टेबल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसमें आप देखें कि ए के लिए जो है वो ये आस्की कोड है जो कि 7 बिट का कोड है, और ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ये हेक्सा में भी लिखा जा सकता है, आप इसको हेक्सा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये अभी बिल्कुल छोटा सा टेबल है, और अगर आप इसका कंप्लीट वर्जन देखना चाहें तो आपको बुक के अपेंडिक्स में भी मिल जाएगा, और इंटरनेट पे भी आप इजीली सर्च करें कि आस्की टेबल इन हेक्सा और इन बाइनरी, आपको वहाँ पे आसानी से ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर सर। है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे हैं एरर डिटेक्टिंग कोड्स, यहाँ तक हमारे जो बाइनरी कोड्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम वो कोड्स पढ़ेंगे जो कि एरर डिटेक्शन में हेल्प आउट करते हैं। एरर क्या होता है बेसिकली, कोई बता सकता है एरर क्या होता है?
बग्स, डिबगिंग, सर डिबगिंग, जी डिबग, सॉरी बग्स। डी बग्स तो कहते हैं उसको, करेक्ट और करना, जो बग होता है ना उसको एरर बोलते हैं, यानी आपका 1-0 बन गया, ये किसी वजह से कोई ऐसा मसला हुआ कि आपका 1-0 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एरर अकर हो गया। अब एरर अगर आपने, सेंडर ने एक डाटा सेंड किया है बाइनरी के अंदर, ठीक है, और वो रिसीव हो गया, अब रिसीविंग साइड पे वो हमें मिला, अब इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि इसके अंदर कोई एरर अकर हुआ है या नहीं हुआ, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले इसमें, इसके दो स्टेप होते हैं, एक स्टेप होता है सर एरर को, एरिट है। जी, सबसे पहला स्टेप होता है एरर को डिटेक्ट करना, अगला स्टेप होता है एरर को करेक्ट करना, तो करेक्शन भी तभी होगी जब डिटेक्शन होगी, तो पहला स्टेप डिटेक्शन होगा। तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए जो बाइनरी में कोड यूज़ होता है वो बड़ा मशहूर कोड है, उसको हम कहते हैं पैरिटी कोडिंग या पैरिटी मेथड बोलते हैं उसको, ठीक है। पैरिटी कहते हैं नंबर ऑफ वंस इन एनी डाटा, किसी भी डाटा में वंस की तादाद उसकी पैरिटी कहलाती है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ वंस इन एनी डाटा नोन एज इट्स पैरिटी। ये पैरिटी दो तरह की होती है बेटा, एक इवन पैरिटी होती है और एक ऑड पैरिटी होती है। इवन पैरिटी का मतलब क्या होता है? ऑड पैरिटी सर, पैरिटी की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। द नंबर ऑफ वंस मतलब इन एनी डाटा, दो चार छः ऐसे आने चाहिए, जी, नंबर ऑफ वंस इन एनी डाटा इज नोन एज इट्स पैरिटी, इज इवन। ठीक है। इवन पैरिटी वो होगी जिसमें नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, यानी अगर आपके डाटा के अंदर दो वंस हैं, फोर वंस हैं, कोई वन नहीं है, या एट हैं या सिक्स हैं, तो फिर वो ऑड पैरिटी सेट हुई होगी, ठीक है, इसी तरह इवन पैरिटी, सॉरी। और अगर उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, यानी एक वन है या थ्री है या फाइव है या सेवन है या नाइन है, तो वो ऑड पैरिटी वाला डाटा कहलाएगा। तो पैरिटी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, सर सर, एक कोड के अंदर, एक कोड के अंदर इवन या ऑड जी होंगे कि एक कोड के अंदर के सर क्या कह पूरे, रहे हैं? मतलब जितना भी कोड वहां पे टाइप हो, मैंने कहा सर वहां पे जी जो कोड होगा उस पूरे कोड के अंदर के सिर्फ एक की के कोड के अंदर। बेटा, कोड आपको डाटा, अभी वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता हूँ अभी। जी सर, जी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है ओके। आवाज। पैरिटी मैंने आपको बताया दो तरह की होती है, तो अब होता क्या है कि 1 बिट एडेड टू अ ग्रुप ऑफ बिट्स टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इवन और ऑड, यानी आप किसी भी ग्रुप ऑफ बिट्स के अंदर वन ऐड करते हैं ताकि उसकी पैरिटी को इवन या ऑड बनाया जा सके, तो उसको हम पैरिटी मेथड कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़र्ज़ कर लें आपने ये डाटा सेंड किया 00011011, ये डाटा आपने सेंड कर दिया, ठीक है, ये डाटा सेंड हुआ और उसके बाद ये डाटा सेंड होके रिसीविंग साइड पे मिला, अब रिसीविंग साइड पे हमें मिल गया 100011, ये हमें डाटा मिल गया, ठीक है। अब आप ये देखें कि क्या ये डाटा सेम है, तो अगर आप देखें कि उसकी ये वाली बिट डिफरेंट आ रही है, ठीक है, नो सर, हुआ ये कि ये जब डाटा सेंड हुआ तो चैनल की ख़राबी की वजह से इसमें एक बिट का एरर आ गया। अब एक बिट का एरर आया तो अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि एरर डिटेक्ट कैसे करेगा वो, कि एरर अकर हुआ है या नहीं हुआ, तो वो पैरिटी चेक करेगा। सर पैरिटी से, जी, एरर डाटा को सेंड करने से पहले वो चेक करेगा इसकी पैरिटी क्या थी, तो अगर यहाँ पे इसके तीन वंस हैं तो इसकी कौन सी पैरिटी सेट हुई थी, ऑड पैरिटी, ठीक है, तो ऑड पैरिटी वो बताएगा रिसीवर को कि मैंने ऑड पैरिटी के ऊपर डाटा सेंड किया है। जब रिसीवर को मिलेगा तो फिर वो नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा इसके अंदर, तो 2, 3, 4, ये 4 हो जाएंगे, तो पैरिटी इवन हो जाएगी, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर अकर हुआ है, और वो इस तरह से एरर डिटेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर ये भी बिट चेंज हो जाती तो फिर क्या होना था, फिर आपकी पैरिटी दोबारा ऑड हो जानी थी, हालांकि अब डबल बिट का एरर अकर हुआ है लेकिन पैरिटी चेंज नहीं हुई, तो इस केस में हम पैरिटी मेथड को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि एडवांस और मेथड्स होते हैं चेक करने के लिए। तो इसमें सिर्फ आपको सिंगल बिट एरर डिटेक्शन का जो एल्गोरिदम है उसको हम पैरिटी मेथड बोलते हैं, वो बताया गया है, ठीक है। और फॉर्चुनेटली 99% तकरीबन ज़्यादातर सिंगल बिट के एरर ही अकर होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कि डबल बिट का एरर आ जाए, तो इस वजह से हम, हमारा ये जो मेथड है ये बड़ा कामयाब मेथड होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बेटा? सर, जब नो, फर्स्ट टाइम कोड भेजा था तो ओड भेजा था, लेकिन रिसीवर को इवन रिसीव हुआ था, ठीक है, लेकिन जब आपने 2 बिट का एरर दे दिया तो
तब उसने ओड भेजा लेकिन रिसीवर को भी ओड रिसीव हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि इसे मैं बेटा एरर है कि नहीं? यही तो मैंने बताया अभी कि अगर डबल बिट का एरर आ जाए उसके लिए ये मेथड फेल है, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि डबल बिट का कभी एरर आए। ज़्यादातर एरर जब भी आते हैं वो सिंगल बिट के आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है? तो इसलिए ये मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। यस सर। जी बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फ़र्ज़ करें इवन पैरिटी है, तो ये बताएं ये हमारे पास एक नंबर है 0111, क्या ये इवन पैरिटी पे है या ऑड पैरिटी पे है? और चलिए यहाँ ऑड पे है। ऑड पे शाबाश है सर। शाबाश, ऑड पैरिटी पे है, तो हम इसको इवन पैरिटी जो है वो बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो सर एक वन का एरर आएगा इसके अंदर, एरर नहीं आएगा वन बेटा, जेड एक बिट होगा साथ अटैच करेंगे। अटैच होगा। जब एक बिट अटैच हो जाएगी तो ये 5 बिट का कोड हो जाएगा और इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो पैरिटी बिट कहलाएगी। तो अब इसकी पैरिटी इवन हो जाएगी, ठीक है? तो 4 बिट के हमने इवन पैरिटी पे सेट कर लिया। इसी तरह अगर हम ऑड पैरिटी पे इसी डाटा को सेट करना चाहते हैं तो फिर पैरिटी बिट में क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड कर देंगे। तो ऑलरेडी उसकी जो पैरिटी थी वो ऑड ही थी। जी क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सर ये तो पहले भी ऑड ही थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हम 7 0 लगा देंगे, क्योंकि पैरिटी बिट तो भेजनी भेजनी है, तो जब 0 7 लगाएंगे इसका मतलब ये ऑड पैरिटी सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है? इसी तरह ठीक है अगर आपके सर। पास 7 बिट का डाटा हो तो 7 बिट के डाटा में एक बिट हम इवन पैरिटी बनाने के लिए क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, क्योंकि पहले ही इवन है। इसी तरह 7 बिट के डाटा में हम इसको ऑड बनाने के लिए एक वन लगाएंगे ताकि इसमें नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएं, तो ये ऑड पैरिटी सेट हो जाएगी। तो हम किसी भी डाटा के अंदर अपनी मर्जी से जो है वो पैरिटी उसकी सेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर है? यस सर। यस सर। सर जी। और ये एरर डिटेक्शन कोड है, सिर्फ सिंगल बिट के लिए है। ओके सर। जी बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक में हम सर देखें। जी बेटा बोले। ये एडवांस मैटर है सर। बेटा ये एडवांस नहीं है, बेसिक मेथड है आपका एरर डिटेक्शन के लिए, सिंगल बिट एरर डिटेक्शन नहीं के लिए। नहीं नहीं इससे नेक्स्ट सर, अगर मतलब आप बोल रहे थे कि अगर 2 बिट का आ जाए तो फिर उसके लिए क्या वो मेथड बेटा हम है? इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे, वो हमने पढ़ना है डिजिटल कम्युनिकेशन जब आपको पढ़ाई जाएगी। ये सारे एरर डिटेक्शन और करेक्शन के एल्गोरिदम उसके अंदर होते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ इंट्रो करवाया गया, पैरिटी क्या होती है, इवन पैरिटी क्या चीज़ है और ऑड पैरिटी क्या चीज़ है, सिर्फ आपको इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। जी नेक्स्ट है बाइनरी लॉजिक। तो बाइनरी लॉजिक में जो हमारे पास बेसिक बाइनरी के फंक्शंस होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं वो 3 होते हैं, एक नॉट होता है, एंड होता है और होता है, ठीक है? सो जो नॉट होता है उसमें उसकी कंडीशन ये होती है कि जब आप इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट 1 आ जाती है, और जब इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट इसकी 0 आ जाती है, ठीक है? इसी तरह एंड के केस में क्या होता है, अगर आपकी दोनों इनपुट्स 1 हैं तो आपकी आउटपुट 1 होगी। यानी एंड के केस में आप समझ लें कि ये मल्टीप्लाई की तरह वर्क करता है, यानी जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, जब दोनों 1 होंगे तभी आंसर इसका जो है वो 1 होगा, ठीक है? इसी तरह जो और है इसको आप प्लस की तरह समझ लें कि अगर आप की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 1 1 होंगी तब भी आंसर 1 आएगा, या एक भी वैल्यू 1 होगी तब भी आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर इसकी जो है वो दोनों 0 होंगी ना तो तभी इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप 0 कर लें कि अगर यहाँ पे 0 हो और ये भी 0 हो तभी इसका आंसर 0 आएगा, अदरवाइज़ ये 1 आएगा, ठीक है? इस तरह कर लें, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, देन जेड इज इक्वल टू 0, अदरवाइज जेड इज इक्वल टू 1, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है बेटा? क्लियर है यस ना? सर। सर जी आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे तीनों गेट्स हमने पढ़े हैं, इनके ट्रुथ टेबल क्या होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और लॉजिक गेट्स की इनकी सिंबल्स कैसे होते हैं। सो एंड और नॉट गेट के ये ट्रुथ टेबल्स हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके जब दोनों 0 थे एंड के अंदर तो तब भी 0 था, एक 0 हुआ तब भी 0 हुआ, यानी इसमें ये है कि अगर एक भी 0 आ जाए आपकी इनपुट्स में तो आपकी आउटपुट जो है वो 0 हो जाती है, लेकिन 1 कब होगी, जब दोनों 1 होंगे तभी ये 1 होगी। इसी तरह और जो है इसमें अगर एक भी 1 आ जाए तो आपकी जो आउटपुट है वो 1 आएगी हमेशा, 0 सिर्फ तब आएगी जब इसकी दोनों इनपुट जो हैं वो 0 होंगी, ठीक है? तो ये और हो गया। इसी तरह नॉट में जो 0 है वो 1 बन जाएगा और 1 जो है वो 0 बन जाएगा, ठीक है? तो ये इनके बुलियन एक्सप्रेशंस हैं। बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनके मैथमेटिकल फॉर्म, उसको लिखने का तरीका होता है कि आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक्स टाइम्स वाई, ये हमारा जो है वो एंड का ऑपरेशन होता है। इसी तरह अगर हम इसको प्लस करके लिखें तो ये और को डिनोट कर रहा होता है, अगर हम इसके ऊपर बार डाल दें या डैश डाल दें तो ये नॉट गेट को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है?
ये इनके बेटा जो हैं वो लॉजिक गेट्स की डायग्राम्स हैं, यानी हम डी इस तरह की शक्ल में इसको डिनोट करते हैं एंड गेट को, ये और गेट का सिंबल होता है और ये नॉट गेट का सिंबल होता है। तो ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, उनके ट्रुथ टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सर हम ये लॉजिक गेट्स यूज़ क्यों करते हैं? जी बेटा, यूज़ क्यों करते हैं? आपका जो कंप्यूटर बना होता है वो इन्हीं लॉजिक गेट्स से बना होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है वो किस चीज़ से मिलके बनता है, ट्रांजिस्टर से, ठीक है? ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं बोले? डायोड से। जी, आपका कोई भी जो मेमोरी ब्लॉक है कंप्यूटर में, जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं ना, वो सारी आईसीज से मिलके बनी होती हैं, उनमें आईसीज लगी होती है ना, अगर आप देखें तो आईसीज जो हैं वो किससे बनती हैं, वो लॉजिक गेट से बनती हैं, और लॉजिक गेट्स ट्रांजिस्टर से बनते हैं, ट्रांजिस्टर डायोड से बनते हैं, डायोड जो हैं वो सिलिकॉन या जर्मीनियम से बनते हैं, और सिलिकॉन जो है वो आपकी ज़्यादातर सैंड होती है, तो सैंड से आपका कंप्यूटर बना हुआ है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर कि हम, ये इंसान के ऊपर है कि चाहे वो रेत से रेत के घर बनाता रहे या उससे एक ऐसी चीज़ बना ले जो कि ह्यूमन ब्रेन का रेप्लिका हो, ठीक है? जी बेटा, क्लियर है? ठीक है सर। जी सर, ठीक है, थैंक जी, यू सर। नेक्स्ट है लॉजिक सिग्नल्स क्या होते हैं। लॉजिक सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, या ज़ीरो होगा या वन होगा, और ये दोनों वोल्टेजेस होते हैं। ज़ीरो का मतलब होता है कि अगर आपका वोल्टेज का लेवल, अगर 0 से लेकर 1 वोल्ट के दरमियान दरमियान कोई वैल्यू है तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे, हम कहेंगे कि ये ज़ीरो है। और अगर 3 से लेकर 4 तक कोई वैल्यू आ रही हो वोल्टेज की, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास 1 आ गया। तो 0 और 1 बेसिकली कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है? और इनके दरमियान डिस्टेंस होता है, यानी ऐसा नहीं कि 1 के फ़ौरन बाद ही हम कहते हैं जी 1 से 2 तक जो है वो 1 आ जाएगा, नहीं, इनके दरमियान में हमें ट्रांजिशन को डिस्टेंस डालना पड़ता है। वो ट्रांजिशन का डिस्टेंस क्या करता है, वो गार्ड करता है नॉइस के अगेंस्ट। देखिए अगर 1 में कोई नॉइस आ जाए और वो 1 से 2 हो जाए तो तब भी वो 0 ही रहेगा, क्योंकि वो 3 तो नहीं ना हुआ, 3 से अबव जाएगा तो तब वो 1 कंसीडर होगा। तो इस तरह से 0 के 1 में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम आ जाते हैं जब नॉइस आती है। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर डिस्टेंस ख़त्म कर देंगे तो 1 से ज़रा सा भी, 1.1 भी हो जाएगा तो बेसिकली 1 में चला जाएगा। तो इस तरह से एरर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है बेटा? इसलिए हम इनके दरमियान ट्रांजिशन का डिस्टेंस जो है वो उसको रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस जी। सर, उसके अलावा स्विचिंग सर्किट हैं, ये आपने लैब में भी किए होंगे। जो एंड है वो बेसिकली सीरीज स्विच होते हैं, और जो और होते हैं वो पैरेलल स्विच होते हैं, ठीक है जी? उसके बाद आप बेटा, आपके पास आ जाता है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने घर से करके आना है। चैप्टर नंबर 1 के ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपने सारे करके आने हैं। अब जो आगे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, इनको इग्नोर कर दें, यानी ये जो मैंने 1.2 के आगे स्टेटमेंट लिखे ये सारे छोड़ दें, इसको नहीं देखना आपने। आपने सिर्फ ये इस स्लाइड को देखना है जिसमें क्वेश्चन के नंबरिंग दिए हुए हैं, ये वाले नंबर, इन नंबर के मुताबिक आपने जो आपकी टेक्स्ट बुक मैंने आपको दी है उसमें जो 1.2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, 1.7 को करना है, 1.9 को करना है, इसी तरह 10 को, 11 को, 16 को, ये सारे क्वेश्चंस आपने लाजमी सॉल्व करके आने हैं, ठीक है? ये सारे हो जाएंगे आपसे जितना पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो उसके बाद जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, अभी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अभी भी करते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम अब सॉल्व करते हैं, बाकी आप घर से करके आएंगे। तो नेक्स्ट वीक में आपका इसकी बेस पे क्विज भी होगा, तो चैप्टर 1 के सारे प्रॉब्लम्स आपने घर से करके आने हैं। जी बेटा, यहाँ सर तक इस, पैरिटी के बारे में एक सवाल था। जी बेटा बोले। सर हम इवन से ऑड या ऑड से इवन में जब जाते हैं तो इसमें जो इसकी बिट नंबर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि 4 से 5 हो जाता है, 7 से 8 हो जाता है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं, कोई इसका कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि है जी देखें, वैल्यू चेंज, कोई देखें लिंक मैं आपको उसमें? बताता हूँ ना, हमने अभी पढ़ा था नेगेटिव नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, उसमें हम जो साइन बिट होती थी वो साइन बिट का वैल्यू से तो कोई ताल्लुक नहीं होता था, क्या होता था, ऐसा कोई नहीं ठीक है ना? होता। इसी तरह जो पैरिटी बिट होती है उसका वैल्यू के साथ ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ पैरिटी बता रही होती है कि इसकी पैरिटी इवन है या इसकी पैरिटी ऑड है, ठीक है? यस सर। सर आस्की पर है हमने आज 7 बिट। सर 16 बिट भी कोई होता है वो? नहीं बेटा, आस्की जो है वो हमेशा 7 बिट का होता है। 8वीं बिट आप इसके साथ पैरिटी की लगा सकते हैं, 8वीं बिट पैरिटी के तौर पे लगेगी इसके साथ, ठीक है? जैसे आपको क्वेश्चन ये इसी स्लाइड में नज़र आ रहा है कि डिकोड द फॉलोइंग स्ट्रिंग,
ठीक है, आस्की स्ट्रिंग, आस्की स्ट्रिंग को डिकोड करें। अब इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं, इसमें रेड कलर का आपको जो है 1 और ब्लू कलर का 0 नज़र आ रहा है, तो बेसिकली रेड और ब्लू कलर जो है ये पैरिटी बिट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। 1 जो है ये बेसिकली इवन पैरिटी को डिनोट करता है, और 0 जो है ये ऑड पैरिटी के लिए लगाया हुआ है। समझ आ गई है? यस सर। चलें, यस सर जी बेटा, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। बाकी आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दिए आपने, उसके मुताबिक इसको जो है वो करना है। तो अभी हम आते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में हम अभी बुक को ओपन करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि हमने किस तरह करना है बुक के साथ। मैं आपको बुक शेयर कर रहा हूँ, जी बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? नो सर। नो सर अभी नहीं, अब हो गया सर। यस सर। यस सर। चलें ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है? उसने कहा है कि लिस्ट द ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स ऑफ 16 32। 16 से 32 तक जो नंबर्स हैं उनको आपने ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल नंबर में डिनोट करना है। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। ये मैं बोर्ड आपको कर रहा हूँ शेयर। जी 16 से लेकर 32 तक नंबर हैं, तो 16 से लेकर 32 तक नंबर लिखेंगे, ठीक है। सारे नंबर बीच में लिख लेंगे उसके। उसके बाद उसने कहा कि आपने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, और दूसरा इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा के अंदर। जी तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बताएं ज़रा। सबसे पहले 16 को कैसे करेंगे ऑक्टल में? सर पहले इसको बाइनरी में करेंगे, ठीक है। स्केल से कर लेंगे डिजिटल मेथड से। सर पहले इसको बाइनरी, सर पहले इसको बाइनरी में करेंगे, फिर उसके बाद इसके पेयर्स बना लेंगे ऑक्टल के लिए 33 के और हेक्साडेसिमल के लिए 44 के। तो वहां से सर उसकी कोडिंग जो टेबल है वहां से कोडिंग टेबल चेक करके इनको नंबर्स में जो इनके नंबर बैक एंड पे नंबर बने होंगे वो डिनोट कर देंगे वहां। ठीक है बेटा, एक आपने ये तरीका बताया कि हम वाया बाइनरी इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या लंबा प्रोसेस नहीं है? हम बजाय इसको डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट करें। ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होंगे ये? 8 से डिवाइड करके बीसीडी मेथड से। यस सर। नहीं नहीं सक्सेसिव डिवीजन करेंगे बेटा, बीसीडी मेथड। ये हमारे पास डेसिमल है, ये जो नंबर दिए हुए डेसिमल में है, तो डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो दूसरी में, हम जस्ट क्या करते हैं सक्सेसिव डिवीजन करते हैं। तो अगर 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दो बार 16 हो जाएगा और 7 0 रिमाइंडर बचेगा, तो बेसिकली 16 का जो है वो 20 बन जाएगा ऑक्टल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो 16 कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बाकियों को करते जाएंगे, 16 को 17 को 18 को करते जाएंगे, तो ये 21 बनेगा, फिर 22 बनेगा, फिर 23 बनेगा, फिर 24 हो जाएगा। सर जो मैं 25 सर जो मैंने वे बताया वो भी ठीक है बेटा। वो आप देखें ना, काम को लंबे तरीके से क्यों कर रहे हैं, लेंथी तरीके से क्यों कर रहे हैं? अच्छा इंजीनियर वो होता है जो कम से कम टाइम के अंदर कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी चीज़ बनाए। तो आप मुश्किल तरीके की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप वाया मतलब आपने जाना है जी फैसलाबाद से लाहौर, आप कहें जी मैंने वाया जो है वो पेशावर जाना है,
ये अकलमंदी तो नहीं ना है, आर डायरेक्टली जाएंगे, तो हमने डेसिमल को ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है, हमारे पास डायरेक्ट वे मौजूद है सक्सेसिव डिवीजन का, बजाय इसके कि हम पहले टाइम लगाएं 16 को कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे, उसमें भी तो डिवीजन कर ही रहे हैं ना, तो हम क्यों ना 8 से डायरेक्टली डिवाइड कर लें। यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये अप्रोच बहुत मैटर करती है। तो 25, 26, फिर 27 आ जाएगा। 27 के बाद क्या आएगा ज़रा बताएं, अगला नंबर 30 आएगा। 30, शाबाश, 30 सर, 30 आएगा क्योंकि 28 एग्जिस्ट नहीं करता इसके अंदर। इसी तरह आप सारे नंबर्स को 32 तक कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हेक्सा की बारी आ जाएगी, हेक्सा के साथ क्या सलूक करेंगे? 16 से डिवाइड करें। शाबाश, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 वन 16, 0 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 10 से स्टार्ट होंगे, ठीक है हेक्सा में। अब हेक्सा के अंदर जो है वो 10 किसको बोलते हैं ये बताएं। सर ए को बोलते हैं। ए को सर। हाँ जी, ए को, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आप ए नहीं कहेंगे, इसको 10 ही बोलेंगे, ये वो वाला 10 नहीं है, ठीक है ना। 10 कहेंगे क्योंकि, हाँ जी शाबाश, 10 ही कहेंगे। उसके बाद फिर 11 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, इसी तरह आप सारे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी पहला पार्ट हमारा हो गया, हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि यूजिंग ए बी एंड सी फॉर द लास्ट 3 डिजिट्स लिस्ट द नंबर्स फ्रॉम 8 to 28 इन बेस 13। उसके बाद आपने इसको बेस 13 में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेस 13 में कैसे कन्वर्ट होंगे ये? 13 से डिवाइड कर दें। शाबाश, 13 से सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे विद 13। जी, तो बेस 13 में आप खुद घर से डिवाइड करके आइएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक वैल्यू आपको करके बता देता हूँ, जैसे 16 है तो 16 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे जी। नहीं सर, उन्होंने जो बेस 13 वाले वो कहा 8 से 32 वाले वैल्यूज, 8 से शुरू होना है। चलें 8 से कर लेते हैं जी। 8 से कैसे आ जाएगा? 8 से तो 8 ही नहीं आ जाएगा क्योंकि 8 से वो छोटा हो जाएगा ना सर। हाँ, छोटा हो जाएगा ना, तो 8 तो वैसे ही आ जाएगा। फ़र्क तो वहाँ से पड़ेगा जहाँ से हम ग्रेटर में जाएंगे। जैसे 14 पे जाते हैं, अगर अगर हम इसको जाते हैं 14 पे, तो फिर हम क्या करेंगे, लेट्स से 14 से शुरू कर लेते हैं। 14 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 वन 13 और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो बेसिकली 11 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, 11 आ जाएगा सर जी। तो इस तरह से आप करेंगे। अब इसमें ये याद रखें कि 8 से जब आप शुरू करेंगे ना, 8 से, तो 8 तो वैसे ही आएगा, फिर 9 भी वैसे आएगा। अब 10 नहीं आएगा इसके अंदर, 10 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ए आएगा। 10 के लिए ए, फिर बी, उसके बाद सी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 11 आएगा। समझ आ गई इस बात की? यस सर। बल्कि पहले 10 आएगा इसके अंदर। यस सर, पहले 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जी बेटा, सबको क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। Yes, sir. Okay. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स इन द सिस्टम विच कंटेन्स 32 किलोबाइट्स, 64 मेगाबाइट्स एंड 6.4 गीगाबाइट्स। तो तीन वैल्यूज़ हैं, इनको हमने किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में और गीगाबाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा? हम पहली वैल्यू कंसीडर करते हैं। सपोज़ के हमारे पास है 32 किलोबाइट। जी बेटा, कोई बताएगा कैसे होगा इसको? बाइट्स। यस सर, 1 किलोबाइट होता है 2 की पावर 10 बाइट्स, और फिर हम 2 की पावर 10 बाइट्स बराबर होते हैं 1024 bytes, तो हम 32 को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32। वेरी गुड, किलो की जगह 1024 आ जाएगा, तो ये जो भी आंसर आएगा ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसी तरह अगर आपका 64 मेगाबाइट्स हो तो फिर आप 2 की पावर 20 हो जाएगा मेगा के लिए। हाँ, वो 2 की पावर 20 लिखने से बेहतर है कि आप दो दफ़ा 1024 लिख लें, 1024 टाइम्स 1024, ठीक है।
तो जो भी बनेगा वो आपका चला जाएगा बेटा। 2048 नहीं आएगा ये, वो जमा करने से आता है 1024 1024, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है ठीक है। 1024 ऐड करने से आते हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों, और उसके बाद 64 से जो भी आंसर आएगा वो बाइट्स में आ जाएगा ठीक है। इसी तरह अगर आपका 6.4 मेगा है, सॉरी गीगा बाइट्स है, तो गीगा के अंदर आपके पास तीन दफ़ा जो है वो 1024 आ जाता है। ज़रब 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, तो जो भी आंसर आएगा वो बाइट्स में आ जाएगा ठीक है। तो इस तरह से आप बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि आपने बाइट्स के बजाय बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट्स को। 4 से करेंगे? क्यों? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? आठ बिट्स होते हैं सर एक बाइट। शाबाश शाबाश, तो हम आठ आठ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये बिट्स में आंसर कन्वर्ट होता जाएगा कि कितनी बिट्स हैं इसके अंदर ठीक है। तो ये भी सिंपल सा ही काम है। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? यस सर यस सर यस सर। ठीक है जी, उसके बाद इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। सर बिट्स का दोबारा बताएगा ज़रा बेटा। बिट्स में आपने सिंपल ये करना है कि 8 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका आंसर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिट्स में। ठीक है सर जी। बेटा किस में हो जाएगा? बिट्स में हो जाएगा सर। शाबाश, बिट्स में हो जाएगा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। ठीक है अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1.3, इसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स विद द इंडिकेटेड बेस टू डेसिमल। हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इन सारे नंबर्स को ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, हो जाएगा ना सबसे? यस सर कर लेंगे। यस सर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बाइनरी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द 14 बिट्स। ये नंबर अब थोड़ा समझने वाला है। वो कह रहा है कि 14 बिट के अंदर बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो आप मुझे बताएं सर, कि वन होगा, यानी 14 बिट्स के अंदर मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? तो वो तब हो सकता है जब सारे ही वन हो। सर वन। शाबाश, सारे वन हो। यस सर। तो चार चार के ग्रुप बना लेंगे, ये 14 हमारे पास बिट्स हो गई। ठीक है, तो 14 बिट्स जो हैं वो हमारे पास आ गई, मैक्सिमम नंबर ये बाइनरी के अंदर आ गया। अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसकी सिंपल मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर 0 के साथ, फिर प्लस कर दें 1 को मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 1 के साथ, फिर प्लस करें 1 को मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 2 के साथ, और इसी तरह चलते जाएंगे, सो ऑन सो फोर्थ। कहाँ तक चलेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 13 के साथ। ठीक है, तो ये आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका 16383 सर आंसर, जो भी बेटा आंसर आएगा ना वो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका एक तो तरीका ये है, इसका एक और तरीका भी है, सुन लेना, इसका एक तरीका और भी है। 2n-1। हाँ जी, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n-1, और 2 की पावर n जो है वो आपका नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। तो हमें 14 बिट्स दी गई हैं, 14 है ना टोटल, तो 2 की पावर 14-1 yes, करेंगे तब भी वही आंसर आ जाएगा जो इस तरीके से आएगा। तो दोनों तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर यस सर। चलें ठीक है जी, उसके बाद बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसने कहा है कि इस नंबर को जो हमने किया था हेक्सा में, आपने इसको ऑक्टल में भी कह रहा था करना है कि हेक्सा में करना था, डेसिमल में किया था, हेक्सा में करना था। तो हेक्सा के लिए तो सिंपल है ये कि हम ये जो पेयर बनाए हैं चार चार के, इन्हीं को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 14 हो गए, ये बन जाएगा F, ये भी बन जाएगा F, 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 ये भी बन जाएगा F, ये वाला जो है इसके साथ 2 0 एम्बेड करेंगे लेफ्ट साइड पे, ये 3 बन जाएगा। तो 3 टेट्रा F हेक्सा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। यस सर यस सर। ओके जी, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। डिटरमिन द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, वो कह रहा है बेस फाइंड करें फॉलोइंग नंबर्स की, तो वो बेस कैसे कैलकुलेट की जाती है वो देखते हैं।
अब हमारे पास नंबर वगैरह इस इक्वेशन आपको दी गई है और इसमें बेस कैलकुलेट करें। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का काम है कि आपके पास लेट से इक्वेशन दी गई है 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। अब आप मुझे बताएं, वैसे हम डेसिमल के अंदर 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7 आता है, लेकिन यहाँ 5 लिखा हुआ है, इससे साबित हो रहा है कि ये बेस 10 में नहीं है, ये किसी और बेस में है। ठीक है, ये क्या है, किसी और बेस में है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि आपका जो टू डिजिट नंबर होता है उसमें बी आता है, उसके अंदर हम बेस आती है, यानी हम लेट कर लेंगे बेस जो है वो बी है, लेट करेंगे जो बेस है वो बराबर है बी के। ठीक है, अब उस बी को हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, यानी जो वन दिया हुआ है तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, उसमें प्लस कर देंगे 4 को। ठीक है, और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब टू चूँकि सिंगल डिजिट है, यहाँ पे कोई दूसरा डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ बेस नहीं आएगी, सिंगल डिजिट आ जाएगा। इसी तरह 5 भी सिंगल डिजिट है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू बी प्लस 4। उसके बाद बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू निकालने के लिए 4 वहाँ जाके माइनस होगा, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें बेस जो है वो 6 है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा क्या करेंगे, हमारे पास है 54 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 13। ये कर लेंगे, कर लेंगे ना, शाबाश। इसी तरह आपने बाकी तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व, ये हो जाएगा सर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। फिर आपके पास इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, ये भी कर लेंगे, ये भी कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, ना हुआ तो फिर मुझे नेक्स्ट टाइम बताइएगा। सर बता देंगे ना सर, इसमें थोड़ी सी हिंट दे। हिंट बेटा यही है, हिंट यही है कि इसमें जो आप, उसने आपको रूट्स बताए गए हैं 3 और 6, तो 3 और 6 जो हैं जब उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका 11 बनना चाहिए, और उनको अगर सॉरी ऐड करें, अगर 6 और 3 को ऐड करें तो 11 बनना चाहिए, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 22 बनना चाहिए। ये दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, इन इक्वेशन को आपने रख के सॉल्व कर लेना है। आपको पता ना, रूट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटर वाली चीज़ आ जाती है, रूट्स को जब ऐड करते हैं, सॉरी सेंटर वाली चीज़ आती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थर्ड वाली जिसमें वेरिएबल नहीं होता वो वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, वो फैक्टर आ जाता है इसका, इक्वेशन का। यस सर, कर लेंगे। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, ना हुआ तो फिर कल देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर आपको दिया गया है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसको बाइनरी से ऑक्टल में लेके जाना है। तो ये कैसे करेंगे, ज़रा कोई एक बच्चा बता दे, हिंट दे दे। सर उन्होंने कहा इसको ना पहले बाइनरी से हेक्सा में करना है, और पहले हम इसको कर लेंगे सर उसमें चेंज दूसरे में। पहले बाइनरी में लिखेंगे ना, बाइनरी में लिखने का क्या तरीका होगा, कौन सा टेबल यूज होगा? बीसीडी से हम कर लेंगे। बीसीडी टेबल यूज होगा। वेरी गुड, बीसीडी से यूज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, उस बाइनरी फिर हम उसको तीन के पेयर बना के। वेरी गुड जी, वेरी गुड, ठीक हो गया जी, शाबाश। हम तीन के पेयर बनाएंगे, उसके बाद उनको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑक्टल टेबल की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 1.8 पे वो ये कह रहा है कि आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स को, 431 को बाइनरी के अंदर, टू वेज से, दो तरीकों से करना है। ठीक है, पहला तरीका ये आपने डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, यानी 431 आपका डेसिमल में दिया गया है, इसको आपने बाइनरी में लेके जाना है डायरेक्टली। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है पहले हेक्साडेसिमल में, उसके बाद इसको हेक्साडेसिमल को फिर बाइनरी में लेके जाना है, और फिर आपने बताना है कि कौन सा वे इसमें फास्टर है। तो ये सारे अभी बैठ के करें, शाबाश, 5 मिनट है आपके पास, इसको करें, फिर मुझे बताएं कि क्या इसका सोल्यूशन है।
सर हो गया सर, कर लिया। जी बाकी भी कर सर हो लीजिए। गया। जी बेटा कौन सा तरीका फास्टर है सर? सक्सेसिव डिवीजन हेक्सा टू बाइनरी जाएंगे जिसमें पहले हेक्सा से बाइनरी में सर, पहले जाएंगे। बार सर ये कन्वर्ट वाला मुझे लगा है पहला सक्सेसिव पहला डिवीजन। वो क्यों फास्ट है जी? उसमें कितने स्टेप में हुआ बताएं, कितनी दफा डिवीजन हुई है? सर ये देखिए ना, हम सात पहली दफ पहला जो करते हैं ना डायरेक्ट बाइनरी, उसमें हमें वो 1 0 की काफी मिस्टेक्स हो सकती हैं हमसे, और बेटा इतनी मिस्टेक की लंबी बात डिवीजन नहीं होगी और है, जो मैंने बाइनरी पूछा फास्टर कौन सा है। मिस्टेक नहीं, फास्टर जल्दी कौन सा होगा? फास्टर सर हेक्सा वाला है, शाबाश हेक्सा हेक्सा वाला वाला है। है क्योंकि इसमें 16 से हम करेंगे तो वो दो एक जो एक चीज़ बिल्कुल स्टेप्स सही में कह रहे हमारा हैं, वो शाबाश हेक्सा। बेटा। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जिसमें डिवीजन ज़्यादा होंगी ना वो स्लोअर होगा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ज़्यादा होंगी वो स्लोअर होगा, जिसमें कन्वर्जन सिंपल होगी आप बीसीडी के टेबल को देख के कन्वर्ट कर सकते हैं वो आसान है। ठीक है यस सर। जी, तो 1.9 क्वेश्चन पे आ जाए ज़रा। ये इनको डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है फॉलोइंग नंबर्स को, ठीक है? तो ये भी आप मेरे ख्याल घर से कर लेंगे, ये यस मैग्नीट्यूड सर कर निकालनी है लेंगे। सबकी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। ये आपको नंबर दिए गए हैं हेक्साडेसिमल में और आपने इसको कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में जाना है और डेसिमल में जाना है, यानी जो आपको बाइनरी में नंबर दिए गए हैं आपने इनको हेक्साडेसिमल में डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई आंसर इन फोर इन बी इज़ 4 टाइम्स इन ए। जी बेटा ये ज़रा सॉल्व करें ज़रा जल्दी जल्दी। सर 10 करना है ना? 10 का मतलब क्या? प्रॉब्लम 1.10। जी, आपने किया नहीं अभी तक? नहीं सर, मैं वही सॉल्व कर रहा था, लेकिन मैं ऊपर देख रहा था वो भी सेम तकरीबन, मेरे लगा 9 सॉल्व करना है, मैं 10 ही सॉल्व कर। नहीं नहीं 10 करें, शाबाश जल्दी।
जी बचे हो गया। सर हो गया जी। इसकी हेक्साडेसिमल में दोनों की क्या वैल्यूज आई हैं? सर हेक्सा में तो नहीं है, डेसिमल में था सर। बेटा हेक्सा में भी करना है, डेसिमल में भी करना है। सर हेक्सा में सर आई कर लिया सर। क्या आया सर? है 1.9 और जो दूसरा है उसका है 1.563 डेसिमल में। डेसिमल में किसके बता रहे हैं? 1.5 फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का सर 563। 56 यस सर। ओके ये डेसिमल में हो गया। अब दूसरा जो नंबर है उसका हेक्सा में क्या आया है? और सर सेकंड का सर उसका हेक्सा में आया है 6.4 है। 6.4 आएगा सर। और सर उसका एक मिनट मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आ जाता है 6. अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6.25 आता है। तो वो ये पूछ रहा है कि ये नंबर इसका जो है वो 4 टाइम्स क्यों है। तो ज़रा मुझे वैल्यू लिखवाएं। पहली वैल्यू क्या थी बाइनरी के अंदर जो थी? पहली वैल्यू क्या थी? 1.1001 0 1.1 0 1 0 1 0 और दूसरी वैल्यू क्या थी? 1.1 0 0 1 0 अच्छा बेटा ये इसलिए इसकी रीज़न ये होगी कि 4 टाइम्स इसलिए है कि अगर आप देखें तो ये नंबर दोनों सेम है, दोनों सेम नंबर हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है इसके डेसिमल पॉइंट का? डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, इस वजह से ये उसका 4 टाइम्स है। तो अगर आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे तो वो नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नंबर वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। यस सर। सर राइट पे करेंगे तो बड़ा नहीं होता जाएगा अगर शिफ्ट? बेटा राइट पे अगर आप आगे को जाते जाएंगे तो डेफिनेटली नंबर बड़ा होगा ना, क्योंकि ये देखें ऊपर वाले को अगर आप राइट पे आपने पहले छोटा था चलें वो स्लिप ऑफ टंग होगा। राइट साइड पे अगर आप मूव करेंगे तो बेसिकली नंबर बड़ा होगा, ठीक है, अगर लेफ्ट पे मूव करेंगे तो इधर से इधर जाएंगे तो नंबर स्मॉल होगा। जी सर ठीक है जी। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है 11, 12, 13, 14 ये जितने भी आगे इसके जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना वो सारे कोशिश करनी है सॉल्व हो जाएं, ठीक है, और अगर इसके सॉल्व हो जाएं तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर आपने परेशान नहीं होना। इसमें जो स्टैरिक वाले क्वेश्चंस हैं वो लाजमी सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो स्टैरिक वाले आपके क्वेश्चंस हैं वो लाजमी सॉल्व करने हैं, और बाकी जो है वो आपने पूरी कोशिश करनी है कि हो जाएं, ना होगा तो इसको फिर हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा उसमें देखेंगे। ये 36 टोटल प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर की, तो 36 में से जो मैक्सिमम हो जाएं वो आपने करनी है, जो स्टैरिक वाली हैं वो कंपलसरी हैं। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसको फिर देखेंगे बाकी। ओके सर जी। बेटा ठीक हो गया? यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो?